गाइज, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल कब भरवाते हैं? अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल दोपहर में भरवा रहे हैं तो आपको पैसों का नुकसान हो रहा है। कैसे, चलिए जानते हैं। देखिए, गर्मियों के दिनों में जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से फ्यूल एक्सपेंड होने लगता है और उसकी डेंसिटी घटने लगती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ने लगता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जितने पैसे पे कर रहे हो उससे कम ही फ्यूल आपको मिल रहा है। पर इसमें पेट्रोल पंप के मालिक की कोई गलती नहीं है। ले दे के बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको पेट्रोल या डीजल भरवाना है तो आपको सुबह सुबह जल्दी या फिर देर रात को भरवाना चाहिए, आपको पूरा फ्यूल मिलेगा। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अक्सर हाईवेज पर ही गाड़ियों के टायर फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती है, पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाड़ियों के टायर्स में 25 PSI से ज्यादा प्रेशर की हवा नहीं भरी जानी चाहिए। लेकिन इंडियंस क्या करते हैं, एवरेज को बढ़ाने के लिए और फ्यूल को सेव करने के लिए टायर्स के अंदर 35 से 45 PSI की हवा भर लेते हैं। अब जब हाईवे पर वो गाड़ी दौड़ाते हैं तो टायर्स इतने गर्म हो जाते हैं कि अंदर की जो हवा है वो फैलने लगती है, और फैलने से इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है कि टायर बर्स्ट हो जाता है, टायर फट जाता है। इसलिए अपने गाड़ियों के टायर्स में 25 PSI से ज्यादा की हवा ना भरें। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।